हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बरसों पुरानी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मतलब वो ख्वाहिश नहीं थी लेकिन मुझे मतलब आई डोंट नो। खैर, तो हम लोग आज जा रहे हैं एक इतने अच्छे काम के लिए। मेरे साथ है महक अब्बास, हमेशा की तरह। ठीक है, क्योंकि इसको कोई मुंह नहीं लगाता और तो ये मेरे साथ होती है। जो इसकी किसी के साथ बनती नहीं, सबको इसने नाराज किया होता है ऐसा। मुझे पता है कि लाइक शी इज ऐसी, तो इसलिए मैरिज कर लेती हूँ। अगर तुमने आज लिया तो उसके बाद पूरे दिन पकड़ूंगी नहीं। गुलाम हो तो मेरी गुलाम, इतना क्लोज वाला शॉर्ट ना डाला कर यार, तो हमेशा डाल देती है। करती है, तू फ्री ना होगा मेरे साथ, चबेड़े खाएगी मेरे। तुम्हें पता चलने लग गया मेरा। गाइस, मैंने मुझे एक हफ्ता ही ब्रेसेस लगवाए हुए एंड इट फ्रिकिंग हर्ट्स। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ब्यूटी इज पेन, सो इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और वैसे भी हमें अपने दांत ठीक चाहिए, दांत ठीक ही होने चाहिए यार। अल्लाह ताला सबको परफेक्ट दांत के साथ पैदा करता ना, तो डेंटिस्ट लोगों का करियर ही क्या होता है। अल्लाह ताला गुनाह क्यों देगा मुझे इस चीज का। अल्लाह अच्छा कहेंगे मैंने दिया। अच्छा, नहीं नहीं, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दांत। मतलब कैमरा मोस्टली मेरे पास ही रहेगा और हम रिकॉर्ड करेंगे मैडम को, क्योंकि उसने इसीलिए मुझे अपने साथ लाया कि मैं रिकॉर्ड करूँ। ऑब्वियस है, और आज तो मैं बहुत ही हसीन लग रही हूँ। मैं दिखाना भूल गई, अभी गाना लगा था सूरज हुआ मध्यम और अब ये गा रही है। मैं जब गाड़ी में बैठ रही, गाड़ी में जब मैं बैठी थी गाना चल रहा था, जैसे ही मैं बैठी मैंने कहा तुम ये गाना सुन रही हो सूरज हुआ मध्यम, कहती बकवास गाना लगा यो, बकवास लगाना लगा दी, बकवास गाना लगा दिया इसने ये कहा, और अभी गा रही थी। इतने पूरे दिन मैंने तो गा क्यों रही थी लाइक ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अक्सर तुम्हारी शक्ल ही डबल स्टैंडर्ड्स वाली डबल चिन। गाइस, इसको चाहिए एक लाफा, तो हम कैमरे के सामने नहीं कर सकती क्योंकि वो एनिमल अब्यूज हो जाएगा, इसीलिए लेट मी जस्ट गिव हर अ स्लैप। बोलिए मैंने। ओए गाइस, तो आई एम पैक। अच्छा खैर, अब आज हम जा रहे हैं अपने अलाइनर्स लगवाने के लिए। मुझे डेंटिस्ट का कॉल आया था, तो आई थिंक वो इसीलिए था कि उन्होंने आज की अपॉइंटमेंट दी मुझे, बट वुल सी के क्या होता है। बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार, मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं अलाइनर्स लगवा सकूँ। मैं वैसे ब्रेसेस लगवाने के चक्कर में बैठी थी। 4549 ये कौन है यार। हेलो, डेंटिस्ट की कॉल आई थी, वो कह रहा था इधर देर बहन तू क्या करी। डेंटिस्ट की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि आ जाओ। खैर, वैसे ही बोला था। हाँ, चाइनीज सी कोई। एनीवेज गाइस, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मेहनत से ये करवा रही हूँ ठीक दांत, और फिर हम अपनी अच्छी सी स्माइल लेके। अब स्माइल तो मेरी अभी भी अच्छी है, ऑब्वियसली सब ये कहते हैं तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, डोंट चेंज इट। मतलब अभी मुझे घर में मेरी मामा कहती है, मेरी सारी दोस्तें भी कहती थी तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तो मत कहना तो नहीं गाना कभी भी। अब तो ये कहोगी दोस्तों ने मतनी क्या क्या कहा हो, दोस्तें कभी तारीफ नहीं करती मेरी, तो करती है। कैसी दोस्त है क्या मतलब, तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी, तुम्हारी दोस्तें तुम्हें ये कहती है। सो Disgusting, कैसे दोस्त है तुम्हारे? तुम्हारे इतना फजूल फेक फ्रेंड्स नहीं है, माय फ्रेंड्स आर लॉयल। रियल बेटा, फ्रेंड कोई भी तारीफ नहीं करता, अगर कर रहा है दैट मींस दे आर फेक। ओह माय गॉड, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। नो पेन है दादी, लोगों को इरिटेशन होगी। गाइस, मैं बहुत बुरी तरह खा रही हूं मिस्टेक, क्योंकि मेरे भी अनानास लगे हुए हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गाइस, पहले इसको कपड़े नहीं मिले, अब मुझे कह रही जल्दी करो। मैं तैयार हो चुकी थी, मैं नहीं जल्दी कर रही, आराम से जाऊंगी। बहुत जल्दी तैयार हो चुकी है ना, 10 साल पहले तैयार हो गई थी तुम आज के दिन के लिए। जी गाइस, अक्सर उछल के तो ऐसे गई थी जिस तरह उसको फॉर्म बुला लूँ, लेकिन उसने कहा बैठ जाओ, पति बैठ जाओ अक्सर। गाइस, आज मैं भी एक्स्ट्रा खुश हूँ, वो किस लिए, बिकॉज आज के बाद अक्सा हर रात रोएगी। अक्सा, मैं अभी सुबह जब वापस डाल रही थी ना, मेरा दिल किया मैं तुझे वहीं खड़े खड़े इतना मारूं जब तक मेरा गुस्सा नहीं निकल जाता, क्योंकि मुझे इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, मेरा दिल करता मैं रो, एक्चुअली लिटरली रो। पता है कितने लोग क्रेव करते हैं मेरा टच। आई बड़ी, इसको बताए कोई बेटा ऐसे लगाते हैं तुम्हें क्या पता मेकअप का। मैंने
जुड़वा तो नहीं, अब तो सुगर करती होगा डिफरेंस। गाइस हम पिछले बार जब यहाँ आए थे लगता तेरा भी वो आदमी करेगा। पूछा मैंने सजेशन दिया, इसमें पूछने की बात सजेशन मांगी मैंने, बोल दिया नहीं। क्यों क्यों मुझे बोलने के लिए तेरी परमिशन की जरूरत है? इसने बहुत कोशिश किया है। अच्छा क्या तुम मेरी नशीली आंखों में डूब रही हो? सारी जो नीचे कालक उस पर डूब रही है बेटा। चंदे कौन नहीं करी कॉन्शियस करती है अगले बंदे नहीं करी एटलीस्ट कैमरा में तो नहीं दिख रहा। दैट्स हाउ आई गेट कैस द प्रेशर मैं भाई याद बांध रहा हूँ। So how are you feeling? I feel okay right now. Yeah, you won't feel okay after you're done. I mean, you'll feel okay, but like रात को तो तबाही। मैं ऐसे बैठी हूँ जिस तरह मेरा अपना ऑफिस है बिल्कुल। और आदमी ने कहने कि पिछली बार ये लड़की आई थी ये तो तमीज से बैठी थी, ये लड़की तमीज से नहीं बैठ रही। ओके गाइज आई विल कीप यू अपडेटेड। अब बोल, अब फुर्ती दिखा। अब फुर्ती नहीं दिखा सकती। I'm going to bring you in 1 month and a half, okay? These red numbers that you can see here. So that means your teeth is too tight, okay? So basically what we have to do with a little strip, we go in between to release the friction a little bit. Movie dekhne aaye ho? Lagta hai movie dekhne aaye ho. Tum hi band ho, usko leta do yahan. काफी एंजॉय कर रही अक्सर बताऊंगी तुझे रात को। Which color of the hook you have? And yeah. Okay, so this is for you, okay? Yes. Oh no, I won't let her use mine. But I won't. Do you think that I'm yours? Okay. So for the up ones too. Oh. All of them? Yes. So what will happen to this one? I will show you a simulation right now. Okay. Yes. Now she's gonna understand. Oh. Tonight. Okay. Okay. Feels good? Yeah. Tight? Not for long. Yes. So I will give you only one box for you. Okay. I think I will like it on the camera. So just give me 1 second, I'm gonna open a simulation there for both of you. Okay. In the first the next 6 months, okay. It's even bigger. Okay. Okay? Mm-hmm. So this is right now. Mm-hmm. Okay. बेटा वो भी ठीक हो जाएगा। डाउन रिवर सर भी ठीक होने में। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड इन द एंड। ओके। सो मच फॉर योर बुक इन द अपॉइंटमेंट एंड दैट्स इट। ओके। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू हैव अ गुड डे। बाय बाय। गाइस लग चुके हैं अक्सा के ब्रेसेस। मामा भी कॉल कर रही थी अभी आए हैं घर से हम और मामा कॉल करने लगे हैं लाइक मामा रिलैक्स तो भी गाइस इसको मेरे से ज्यादा वो लगे हैं पत्नी उनको क्या कहता है एनीवन नो बट मेन थिंग क्या है
कि आज इसको पता चलेगा, आज ये वो गाना गा रही होगी, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की। वो मेरी तरफ आया हुआ था सारा, मैंने लाइनर लगा लिया, आपको अंदर गाड़ी में बैठ के दिखाती हूँ, ठीक है? ओके गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ और अपने लाइनर्स लगा कर मैं आपको ना भी दिखा। टारगेट वाला हटा यार, रोना नहीं है। मैं अपने लाइनर्स लगवा कर आ चुकी हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रुको, ये देखो, आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं, पर आप लोग मुझे, मैं जिस तरह बोल रही हूँ आप उसी पता चल जाएगा कि मैंने लाइनर्स लगवा ली हैं, ठीक है? सो चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, मैंने काम पे भी जाना है, आई डोंट नो मेरा दिन कैसा गुजरता है वहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं होता था कि पहले दिन बहुत दर्द होती है। सो वुल सी, ये मेरी जर्नी है, मैं बहुत देर से चाह रही थी कि मेरे दांत ठीक हो जाएं, बहुत देर से चाह रही थी कि मैं ठीक हो जाए, मेरे दांत ठीक हो जाएं, और बट इसके वजह से अब ये भी है कि मेरा वेट लूज भी होगा, क्योंकि मैं जो इतनी चीज़ें खाती हूँ वो आपको लाइनर्स बार बार उतारने पड़ते हैं और उतारने में बहुत दर्द होती है, तो उसकी वजह से मैं खाना भी कम कर दूँगी अब, क्योंकि महक ने भी खाना कम किया हुआ है, थोड़ा कम किया हुआ, ज़्यादा कम नहीं किया। तो इट्स लाइक अ प्लास्टिक जो आपके ना मुँह है, प्लास्टिक से ना, मतलब ऐसे ऐसे स्पेस है, ये सब वो रिपीट करें जो मैं कह चुकी हूँ। सो व्हाट, डोंट कॉपी मी। तो अभी उसने ये कहा है मुझे कि मेरे दांतों पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने में मेरे थोड़े, because they are fucked up, 6 महीने में मेरे थोड़े दांत थोड़े से मतलब जो टेढ़े मेढ़े हैं ना वो अपनी अपनी जगह पे आएंगे, उसके बाद फिर जो मेरे दांतों में स्पेसिस हैं उसके बाद अगले 6 महीने उसमें लगेंगे, और उसके बाद अगर कोई और प्रॉब्लम हुआ जो पीछे करने वाले दांत हुए, और मैं आपको हर कुछ देर के बाद अपडेट देती रहा करूँगी अपने लाइनर्स के बारे में। मैंने आपको सेटिंग दिखाया, मैं आपको सेट दिखाती हूँ जो मुझे मिला, ठीक है? तो उन्होंने मुझे दिया है एक ये बॉक्स जिसमें सेम लाइक महक की तरह, तो इसमें उन्होंने मेरा नाम गलत लिखा, महक का लिखा हुआ था, उसने मेरा नाम भी लिखा हुआ गलत, अक्सा आबाद, आबाद अक्सा लाइक होता है। इसके अंदर उन्होंने तकरीबन 15 सेट्स हैं मेरे, हर 4 दिन बाद के सारे सेट्स हैं ये सारे, इसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, 1, 2, 3 कि आपने कौन कौन से कब का पहनना है, ठीक है? इसके साथ उन्होंने मुझे एक ये दिया ये चीज़, ठीक है? इसको खोल के देखते हैं क्या डिड आई आस्क यू, ये एक चीज़ है, इससे आपने अपने ऐसे ना दांत सितार है उतारने हैं, सितार है इन्विजिलाइन, इन्विजिलाइन उतारने हैं, इसका फन देखा आपने, तुमने अपने कैसे नहीं बजाया, फिर मैंने अपना खोला ही नहीं ना। उसके बाद इन्होंने हमें ये दिया है सेम लाइक महक की तरह इन्विजिलाइन रखने वाला केस दिया हुआ, कि अगर आपने कभी इन्विजिलाइन उतारने हो अपने तो आप लोग उतार के यहाँ पे रख लो, और यहाँ पे रख के बंद करके खाना खा लो, जो करना कर लो, उसके बाद लगा लो जब आपका दिल करे, जो भी है सारा सीन। उसके बाद इन्होंने हमें एक क्रिस्टल क्लीनिंग क्रिस्टल्स दिए हैं, ये आपने अपने इन्विजिलाइन साफ करने हैं इसके साथ, इसको पानी में घोलना है शायद उसके अंदर, फिर ब्रश से अपने इन्विजिलाइन साफ करने हैं अगर गंदे हो जाते हैं, तो ये उसके लिए है, सो इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी कि मेरी हालत क्या होती है रात तक, फिर आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम घर जाएंगे, मामा को दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है, और बिकॉज वो वेट करी हमारा, और बहन भैया को भी दिखाऊंगी वो आएंगे तो, और फिर इसके बाद देखते हैं वो गेस कर पाते हैं कि नहीं। आज तो मैं बिल्कुल ही दांत नहीं खोलूंगी अपने, इनको महक ने तो मेरा दांत दिखा दिया था ना उनको, जिसकी वजह से उनको पता चल गया था, लेकिन मैं बिल्कुल दांत दिखाऊंगी ऐसे करूँगी, क्योंकि मेरे दांतों पे ना उन्होंने ज्यादा अटैचमेंट्स लगाई तो 100% दिख रहे हैं। खैर, तो अब हम घर चलते हैं, मामा को दिखाते हैं, लेट्स गो। ओ गए, तो हम घर आ गए, ठीक है? हम आपको दिखाने लगे, ऐसे ही नौकर खोलते हैं इससे ना, ये सीधा होगा दांत के। अच्छा अच्छा, कुछ लग रहे होगा अभी नहीं होगा, कल बाद में होगा। मम्मा किधर है? गाड़ी पिछले, अभी नहीं हो, बाद में आओ। हाँ, क्या हुआ? सब बोले और ये उनकी रेपुटेशन का सवाल है। अच्छा। तो क्या डैड की रेपुटेशन में 300 मार्क्स ज्यादा है? मामा एक नसों का डॉक्टर होता है। मामा गाइस, तो हम सर को दिखाएंगे कि ये देख, ये क्या हुआ है? स्पेस है। ओए गाइस, तो मैं काम पे जा रही हूँ और मतलब ना काइंड ऑफ प्रेशराइज हुए मेरे दांत और थोड़ी थोड़ी पेन होना स्टार्ट हो गई है, बट अब देखेंगे कि रात तक क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड।